नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मेथी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 किलो चिकन। चिकन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मेथी। मेथी के सिर्फ हम पत्ते पत्ते लेंगे और डंठल नहीं लेंगे हम। तो 250 ग्राम यहाँ पे मेथी है। मेथी को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने धो लिया है, और उसके बाद ऐसे रफली चॉप कर लिया है। बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करना है, बस हल्का हम इसे काट लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 4 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे नमक 1 चम्मच। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 1 घंटे हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप कम से कम आधे घंटे रेस्ट के लिए रख सकते हो। तो अच्छे से मसाले मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। अब हम ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे 1 घंटे, उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। 1 घंटे बाद अब हम एक पैन में डाल लेंगे 1/2 कप सरसों का तेल। अगर आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा लगे तो आप तेल कम भी ले सकते हो। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाए, हम डालेंगे यहाँ पे कुछ खड़े मसाले। 1 टुकड़ा दालचीनी के, हम डालेंगे 3 लौंग, 10 से 12 हम डालेंगे ब्लैक पेपर, और 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। सभी चीज़ों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए, हम डालेंगे यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा करके। प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई करके प्याज को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हमने पहले भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी। और डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एक बार हम मिक्स करेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कुछ देर और भूनेंगे हम। अदरक लहसुन जैसे ही हमारा भून जाए, हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। टमाटर पेस्ट डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। टमाटर पेस्ट डालने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हो अच्छे से मसाले हमारा भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहा है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को हम हल्का भून लेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन। तो डाल देते हैं यहाँ पे चिकन। चिकन डालने के बाद हम मसाले के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पहले खोल के भूनेंगे। फिर हम चिकन को ढक देंगे 15 मिनट के लिए। तो पहले हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। पहले भी हमने नमक डाला था, तो नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। दो तीन मिनट मैंने चिकन को मसाले के साथ भून लिया है। चिकन अच्छे से हमारा भून चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे,
और ढक देंगे 15 मिनट के लिए, लेकिन बीच में खोल के आप 3-4 बार चेक भी करते रहिएगा जिससे चिकन नीचे ना जले। जब तक चिकन हमारा पक रहे हैं तब तक हम दूसरे एक पैन में ले लेंगे 2 चम्मच छोटे चम्मच के तेल, और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम यहाँ पे डाल देंगे मेथी साग, गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 3-4 मिनट हम साग को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चिकन बनाने से चिकन बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा हमारा। एक बार आप इस तरीके से मेथी चिकन बना के ज़रूर देखिएगा। तो बस हल्का हम फ्राई कर लेते हैं। 2-3 मिनट बाद हम डाल देंगे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, एक बार मिक्स करते हुए सिर्फ 30 सेकेंड और फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट साग को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और साग को निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे। 15 मिनट हो गए चिकन को हमें ढक के पकाते हुए। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, मेथी साग, एक बार हम मिक्स करेंगे और फिर से पैन को कवर कर देंगे हम 15 मिनट के लिए। मेथी डालने के बाद हम एक बार मिक्स करेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इस चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है, तो 1 चम्मच डाल देते हैं। एक बार हम मिक्स करेंगे और डालेंगे हम करीब 1/2 कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। पानी डालने के बाद हम पैन को कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे और 15 मिनट के लिए हम चिकन को ढक के पकाएंगे। 15 मिनट हो गए चिकन को हमें ढक के पकाते हुए। चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 नींबू का रस, 7 ही हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालना हो तो आप स्किप कर सकते हो। एक बार मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। हमारा मेथी चिकन बनके तैयार है। पैन को हम कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। दो मिनट बाद हम चिकन को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में, और आप देख सकते हो ये चिकन देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन मानिए रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चिकन को हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स आज की ये मेथी चिकन की रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।